गाइस आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को कोबरा बंडल और कोबरा MP40 के रिगार्डिंग कुछ बेहतरीन अपडेट एंड न्यूज मिलने वाला है। इसी के साथ में आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि लैम्बोर्गिनी के इमोट कब आएगा और FFWS गैलेक्सी हाइपरबुक रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिला के आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सारे इवेंट्स एंड अपडेट का कन्फर्म अपडेट देने वाला हूं। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए आए जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को कोबरा के रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूं। तो यहां पे गाइस हमारे मोको स्टोर इवेंट आने वाला जिसका नाम है बाइकर इमोट। तो इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों सर्वर पे ये वाला इवेंट आने वाला है जहाँ पे आप लोगों को कोबरा का द बाइकर जो इमोट है गाइस ये देखने के लिए मिलेगा ग्रैंड प्राइजेस में। तो यहाँ पे गाइस हमारा कोबरा के रिगार्डिंग ये इमोट रिटर्न आने वाला है जो बहुत ही कमाल का है। तो जिन लोगों के पास नहीं है गाइस वो लोग मोको स्टोर इवेंट से आराम से निकल सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे और एक इमोट आने वाला है जो है बैम्बू डांस। तो गाइस जो हमारा दिवाली कार्निवल या लुमिनस कार्निवल इवेंट आया है उसमें गाइस बैम्बू डांस इमोट को रखा गया है। साथ में आप लोग को यहाँ पे कुछ बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो जी हाँ गाइस यहाँ पे जो मेल बंडल देख पा रहे मेल बंडल इस मोको स्टोर इवेंट पे आएगा जो बहुत ही कमाल का लुक का देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ में गाइस आप लोग को इसका फीमेल बंडल भी देखने के लिए मिलेगा जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा एंड दोनों लगभग सेम टू सेम है, एक ही डिजाइन एक ही गेटअप का बनाया गया है। और इन दो बंडल के साथ गाइस आप लोग को दो गन स्किन भी देखने के लिए मिलेगा, एक मैक 10 का जो आप लोग देख पा रहे हो कलर एंड डिजाइन कुछ इस टाइप का होगा, एक्यूरेसी डबल प्लस है, डैमेज सिंगल प्लस और मैगजीन माइनस रखा जाएगा इस गन स्किन का जैसे देख पा। साथ में गाइस आप लोगों को बहुत ही पुराना एक UMP का स्किन मिलेगा जो पंपकिन फ्लेम नाम है बट इसका एट्रीब्यूट शो नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। तो आप लोगों को यहाँ पे दो गन स्किन दो बंडल और दो इमोट ये मोको स्टोर इवेंट इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर पे आज रात 4 बजे के बाद देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस यहाँ पे हमारे इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों सर्वर पे आने वाला है। तो आप लोग अभी कमेंट करके बताना गाइस इस मोको स्टोर में सबसे फेवरेट चीज आपको कौन सा लगा और अच्छा कौन सा लगा और ये मोको स्टोर इवेंट आप लोग को आज रात 4 बजे के बाद देखने के लिए मिलेगा। और गाइस रिसेंट टाइम पे हम लोग को कोबरा के थीम पे बहुत कुछ रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है जैसे कि दिवाली कार्निवल इवेंट पे ये वाला इमोट आया है एंड यहाँ पे द बाइकर इमोट भी अभी रिटर्न आने वाला है। तो पॉसिबल है कि गाइस आप लोगों को द कोबरा लेजेंडरी बंडल बहुत ही जल्दी रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस अगर रिटर्न आता है तो आप लोगों को कुछ इस टाइप के रिंग इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा। अभी इस बंडल का आने का पॉसिबल डेट बता रहा हूँ 20 से लेकर 30 नवम्बर के बीच। जी हाँ गाइस 20 से लेकर 30 नवम्बर के बीच आप लोगों को किसी भी एक रैंडम दिन पे ये वाला कोबरा बंडल रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। अगर मेरा प्रिडिक्शन सही रहता है तो आप लोगों के कोबरा लेजेंडरी बंडल रिंग टाइप के इवेंट पे रिटर्न देखने के लिए मिलेगा 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ और भी रिवॉर्ड मिलेगा जैसे कि कोबरा का ग्लोबल स्किन पैन स्किन कटाना ये सब गाइस आने वाले इस रिंग इवेंट के अंदर। तो अभी वेट करते हैं कॉन्फर्मेशन बैनर की, जब बैनर निकलेगा तो मैं आप लोगों को कॉन्फर्म करके बता दूंगा। लेकिन इतना भी चांसेस बन रहा है कि ये बंडल रिटर्न आ सकता है क्योंकि गाइस आप लोग हर जगह पे इतना कमेंट कर रहे हो ना कि कोबरा बंडल रिटर्न करो, फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल चैनल पे भी आप लोगों ने कमेंट किया। तो भाई वो लोग आपका कमेंट देखते हैं तभी जाके गाइस आप लोगों को ये सब आइटम रिटर्न देखने के लिए मिलता है। तो फाइनली गाइस ऑडियंस के डिमांड के बेसिस यहाँ पे अभी इस बंडल को रिटर्न किया जाएगा ये 90% श्योर है। अभी देखते हैं गाइस कब क्या आता है। अभी गाइस कोबरा के रिगार्डिंग हमारा बहुत सारे आइटम रिटर्न आ रहा है तो अभी आप लोगों का कमेंट आएगा कोबरा MP40 रिटर्न नहीं आएगा क्या। तो देखो गाइस कोबरा MP40 भी रिटर्न आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो हमारे 3-4 दिन के बाद गेम के अंदर नया सा इवो वोल्ट रिंग टाइप के इवेंट आने का एक पॉसिबल डेट है। तो उस इवेंट के अंदर गाइस आप लोगों को कोबरा MP40 इवोल्यूशन AK-47 और भी कुछ पुराने इवो गन्स रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। अगर गाइस ये वाला प्रोडक्शन भी सही रहा तो आप लोग यहाँ पे रिंग टाइप के इवेंट्स पे ये सब आइटम्स एंड राउट रिटर्न देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप लोग को अच्छे खासा डायमंड स्पेंड करके यहाँ पे ये सब निकालना पड़ेगा। तो ये सब था गाइस हमारे कोबरा के रिगार्डिंग कुछ बेहतरीन अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी बढ़ते गाइस हमारे FFWS गैलेक्सी आइटम्स के तरफ। तो गाइस यहाँ पे इस FFWS गैलेक्सी बंडल को शायद से पोस्टपोन कर दिया जाएगा क्योंकि एक महीने में सिर्फ एक ही इवो बंडल को रिटर्न किया जा रहा है। पहले रैम्पेज वाला बंडल आया, फिर बुइया वाला बंडल आया, अभी गाइस आप लोगों को FFWS गैलेक्सी नहीं तो कोबरा में दोनों में से कोई एक बंडल रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। फिर गाइस आप लोगों को दिसंबर को हमारा न्यू लेजेंडरी बंडल देखने के लिए मिलेगा जो विंटरलैंड थीम पे बनाया गया है। तो कुल मिलाकर गाइस लगातार आप लोगों को इवो बंडल रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। फिर गाइस आप लोगों को जनवरी 2024 को कोई एक लेजेंडरी बंडल रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अभी अगर आप लोगों को कोबरा बंडल रिटर्न देखने के लिए मिलता है तो जनवरी 2024 को ये वाला नया जो बंडल है FFWS गैलेक्सी बंडल फेडेड व्हील पे 100% रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अभी देखते हैं कैरीना कौन सा बंडल कब देता है बट मैं दोनों इवो बंडल का कॉन्फर्म डेट बता के रखता हूँ। एक तो ऐसे आप लोग को नवम्बर के लास्ट पे देखने के लिए मिलेगा, दूसरा गाइस आप लोग को जनवरी 2024 में देखने के लिए मिलेगा। अभी इन दोनों डेट में कौन सा आता है ये देखने वाली बात है। एंड अभी गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो होगा विंटरलैंड इवेंट के फ्री रिवॉर्ड्स को लेकर। तो जी
अगस्त दिसंबर महीने का हमारा विंटर लैंड इवेंट स्टार्ट होगा, जहाँ पे फ्री में आप लोग को रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पे जो बंडल देख पा रहे हो, ये बंडल आप लोग को मिस्ट्री शॉप पे देखने के लिए मिलेगा। इस बंडल को फ्री में नहीं दिया जाएगा। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे इसको निकालना चाहते तो आप लोग को मिस्ट्री शॉप पे स्पिन करके निकालना पड़ेगा, अच्छे खासा लक मिलेगा तभी। तो यहाँ पे गाइस हमारा ये वाला बंडल आने वाले मिस्ट्री शॉप में। साथ में ये जो इमोट देख पा रहे हो गाइस, पॉसिबल है आप लोग वाला इमोट फ्री में मिल सकता है, अभी गाइस 70% श्योर है। साथ में आप लोग को यहाँ पे जो साइथिक स्किन देख पा रहे हो, ये साइथिक स्किन 100% फ्री में मिल जाएगा सभी लोगों को। और यहाँ पे एक पेन स्किन भी मिलने वाले गाइस, आप लोगों को बस कुछ मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मिशन कंप्लीट करने के मदद से आप लोग के साथ फ्री मिलेगा। और $8 गाइस आप लोग के यहाँ पे एक पैराशूट का भी स्किन मिलने वाला है। तो कुल मिला के गाइस हमारा विंटर लैंड स्पेशल सब आइटम्स एंड रिवॉर्ड को डिजाइन किया गया है, और भी बहुत सारे आइटम्स एंड रिवॉर्ड है गाइस जो विंटर लैंड इवेंट आएगा तभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल तो गाइस हमारा दिवाली इवेंट खत्म होने वाला है और FFWS इवेंट स्टार्ट होगा, फिर जाके गाइस आप लोग को विंटर लैंड इवेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन्हीं बीच गाइस आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि हमारा लैम्बोर्गिनी स्पेशल एनिमेशन इमोट कहाँ पे आएगा। तो गाइस आप लोगों को लैम्बोर्गिनी स्पेशल एक नया सा रिंग इवेंट देखने के लिए मिल सकता है नवंबर के लास्ट हफ्ते को, जहाँ पे गाइस आप लोगों के लॉबी एंट्री एनिमेशन इमोट देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही कमाल का है। एंड इसी के साथ में आप लोगों को बाकी के 3 गाड़ी के स्किन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो पेड होने वाला है। तो आप लोग को FFWS थीम पे ये सब आइटम देखने के लिए मिलेगा इंडियन बांग्लादेश सर्वर के अंदर। तो अगर आप लोग कैसे लॉबी एंट्री एनिमेशन और ये सब कार स्किन निकालना चाहते हो तो डायमंड सेव करके रख लो, क्योंकि नवंबर के लास्ट हफ्ते को ये सब आइटम का इवेंट देखने के लिए मिलेगा जो रिंग टाइप के इवेंट पे आने वाला है। इसी के साथ में गाइस हमारा लैम्बोर्गिनी स्पेशल और एक इमोट है जो गाइस आप लोग को इमोट पार्टी इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी राइड। तो ये जो इमोट है गाइस आप लोग को दिसंबर महीने की 6 से लेकर 10 तारीख के बीच देखने के लिए मिलेगा, मतलब 6 से लेकर 10 नवंबर के बीच कभी भी आप लोग के वाला इमोट पार्टी इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे गाइस हमारा ये जो कैरेक्टर है गाड़ी के ऊपर बैठा रहता है। एंड इस गाड़ी को यूज करोगे, मतलब इमोट को यूज करोगे तो आगे जा पाओगे। तो ये हमारा फ्लोटिंग मतलब चलने वाला इमोट है जो आप लोग को गाइस इमोट पार्टी इवेंट पे देखने के लिए मिलेगा। तो डेट फिर से याद करके रख लो गाइस, दिसंबर के 6 से लेकर 10 तारीख के बीच ये वाला इमोट पार्टी इवेंट देखने के लिए मिलेगा इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर तीनों सर्वर के लिए। और गाइस अगर आप लोग गेम पे बहुत ही सस्ते में वीकली मंथली और टॉप अप करना चाहते हो तो गाइस आप लोग SG गेम शॉप से डायमंड टॉप अप कर सकते हो। ये 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है, कमेंट बॉक्स पे आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग को अगर यहाँ पे सस्ते में टॉप अप करना है गेम पे तो यहाँ से टॉप अप जरूर कर लेना, ये अपने ही गेम शॉप है गाइस, आप लोग को बहुत ही सस्ते पे मिल जाएगा। एंड अभी बढ़ते गाइस हमारा तीसरे टॉपिक की तरफ, जो होगा FFTC प्रो बंडल को लेकर। तो यहाँ पे भाई ने कमेंट किया था FFTC प्रो बंडल कब आएगा, तो देखो गाइस जो FFTC प्रो बंडल है ये टूर्नामेंट स्पेशल है जो ऑलरेडी थाईलैंड एंड बहुत सर्वर पे दिया गया है, क्योंकि उन लोग के सर्वर पे टूर्नामेंट चला है, लेकिन इंडिया बांग्लादेश सर्वर पे अभी तक कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, जिस वजह से गाइस इस बंडल को अभी तक नहीं लाया गया है। तो जिस दिन यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश सर्वर के अंदर टूर्नामेंट होगा, जैसे गाइस फ्री फायर इंडिया आने के बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल एक टूर्नामेंट होगा, तो उस टूर्नामेंट के दौरान गाइस आप लोग के FFTC प्रो बंडल देखने के लिए मिलेगा जो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा खासा डिजाइन किया गया है। तो इसको अगर लेना चाहते तो भाई लॉन्ग टाइम तक वेट करो, जब फ्री फायर इंडिया आएगा तभी आप लोग के वाला बंडल का इवेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद का कमेंट आया था हम लोग को क्रिमिनल रॉयल कब देखने के लिए मिलेगा, कौन से डेट को आने वाला है। तो गाइस ज्यादातर पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारा एक रिंग इवेंट आएगा 18 तारीख को, जहाँ पे गाइस आप लोग को ये हमारा घोस्ट क्रिमिनल और बाकी के पुराने 3 क्रिमिनल बंडल यहाँ पे रिटर्न आने वाला है। उस इवेंट के अंदर गाइस आप लोग अगर स्पिन करोगे तो आप लोग के सब आइटम्स एंड रिवॉर्ड मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सल टोकन आप लोग एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गाइस घोस्ट क्रिमिनल टोकन आने वाला है, जिस टोकन के मदद से आप लोग के सब आइटम एंड रिवॉर्ड निकाल सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे बात और एक आता है, इतने सारे पुराने आइटम आ रहे तो आप लोग इतने सस्ते में कैसे देगा, क्योंकि रिंग इवेंट पे जल्दी निकलता है। तो गाइस यहाँ पे लक रॉयल टाइप के भी इवेंट पे आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो देखते गए ना कौन सा इवेंट का कॉन्सेप्ट ट्राई करता है, रिंग इवेंट या लक रॉयल। बट गाइस आप लोग को 18 तारीख के बाद ये क्रिमिनल्स के इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आप लोग ये सब निकलना चाहते तो डायमंड तैयार रखो, क्योंकि गाइस 18 तारीख को या उसके बाद ये सब का इवेंट आने वाला है। और गाइस यहाँ पे और एक अपडेट है जो हमारा न्यू इमोट को लेकर है, तो क्रिमिनल के थीम पे यहाँ पे छतरी वाला एक न्यू इमोट को डिजाइन किया गया था, तो उस इमोट को गाइस यहाँ पे इमोट कैप्सूल इवेंट पे लाया जाएगा। तो ये जो इमोट कैप्सूल इवेंट है गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीक को देखने के लिए मिलेगा, मतलब अगले हफ्ते को देखने के लिए मिलेगा। तो इस इवेंट में भाई कम से कम 500 डायमंड लगता है एक इमोट निकालने के लिए और बहुत इजीली निकल जाता है। तो ये सब इवेंट गाइस आने वाले हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्द, और मैंने आप लोगों को इस महीने का कुछ कॉन्फर्म इवेंट्स एंड अपडेट बता दिया। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अपकमिंग
कुछ इवेंट वगैरह देखना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आप लोग को इन्हीं वीडियोस पे मिलूंगा। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।